हेलो एवरीवन, ये बहुत टाइम से इनका रिक्वेस्ट था सैयद इमाम शाह का। ये पाकिस्तान से हैं और कराची पाकिस्तान से। बड़े दिल के साफ के होते हैं लोग, ये लोग। बस अब थोड़ा सा रिश्ता नहीं सही इंडिया पाकिस्तान को, तो बुरा नहीं समझना चाहिए चीज़ों को। कई बार राजनीति में चीज़ें होती हैं और जो एक दो बुरे लोग तो होते हैं हर जगह, ठीक है। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग हैं और जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, अपना जो भी सकुशल हैं कि नहीं बताते रहते हैं, अपने प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। अभी हालिया एक हमने पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके बच्ची को भूत ने पकड़ लिया था, जिन कहते हैं, तो उससे उनको निजात दिलाया था रिसेंटली। फिर एक और ऐसे कई केस आते हैं पाकिस्तान में, थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं आजकल ऐसे केस, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग इनके चार्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है, क्या है नहीं है, इनको जानना है अपने चार्ट के बारे में। तो इनका चार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने इनका चार्ट बना लिया है, ये इनका चार्ट है, ठीक है। या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना चार्ट दिखवा रहे और चले जा रहे हैं। ये एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप करवा रहे हो चले जा रहे हो, इसमें किसी की लॉस नहीं है। मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं, क्या है कि हम तब भी करते थे अब भी करते हैं। इस ये मेरे एक तरीके से मेरा सेवा भाव है, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन क्या हो जाता है इस केस में, जब आप करते हो नहीं कुछ हमारे लिए, या जिस किसी से भी अपना चार्ट दिखाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते, तो आप अपने ही ज़िंदगी के फ्यूचर को अवमूल्यन दे देते हो। मतलब अपनी नज़र में उसकी इज्जत घटा देते हो। तो इस केस में कौन ख़राब हो जाता है, आपका राहु ख़राब हो जाता है। और आपके यहाँ छोटी छोटी राहु सडन प्रॉब्लम देने वाले हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी चार्ट देखे दिखाए किसी को भी, तो उनके लिए अपने मन में आदर रखें। और ये आप समझे कि उसने आपकी पूरी ज़िंदगी पढ़ा दी है, तो आपकी ज़िंदगी क्या है, कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। अब क्या है ना, हमको लेना नहीं पसंद किसी से, तो हमें बुरा भी लगता है, लेकिन इससे मेरा भी राहु ख़राब होता है, उनका भी राहु ख़राब होता है। इस केस में हमने ये चैनल स्टार्ट किया जिससे कि हम अर्निंग यूट्यूब से करेंगे, बट हम उसके बदले में बहुतों को हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आपको अब ये करना है कि जितना हो सके इसको शेयर करवाएं, क्योंकि यही आपका सेवा भाव है। ये मतलब आप अपनी कुंडली का, अपने फ्यूचर का, अपना खुद का कितना रिस्पेक्ट करते हो, इसका इसी से पता चल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करके जा रहे, हो गया उनका काम, तो ये अच्छा नहीं है। बट कोई बुरा भी नहीं कहेंगे हम उनको, बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। चलिए इसको के आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इनका चार्ट है, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। आपको पता भी होगा, ठीक है। और नहीं पता होगा तो हम बताते चलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फाइव सिक्स, ऐसे बढ़ते हम लोग, ठीक है। यही बढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखते जाइए, क्योंकि तीन के बाद चार लिखा है, फिर पाँच लिखा है, यानी बढ़ता है ऐसे ही, ठीक है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट कहते हैं। हमेशा ये हाउस फर्स्ट ही रहेगा। इसमें जो ये नंबर लिखी है, ये राशि होती है, ठीक है। तो पहले घर में तीसरी राशि, और जो हाउस होते हैं उनके अपने कैरेक्टर होते हैं। ये क्या बताएगा, हमेशा आपके बारे में बताएगा। ये क्या बताएगा, आपके वाइफ के बारे में, ये मम्मी, ये पापा, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ चेक किया जाता है। ये हाउस होते हैं, हाउस के अपने कैरेक्टर होते हैं। अब जो भी राशि आएगी वो उस हाउस पे वो इफ़ेक्ट डाल रही है। साथ में कोई अगर प्लेनेट आ गया तो वो कोई उस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं इस जगह पे। सबसे पहले पहला एक और चीज़, हम कभी भी चार्ट लीजिए, किसी का भी चार्ट लीजिए, तो कुछ प्लैनेट्स पे एक बार नज़र डाल लीजिए कि कौन उच्च के हैं, कौन नीच के हैं, कौन बहुत अच्छी कंडीशन में है, कौन युति अच्छी बना रही है, क्या चीज़ अच्छा होता है, क्या चीज़ बुरा होता है, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो आपका जब भी शनि और मंगल एक साथ होते हैं, ये कुछ ही कुछ ना कुछ अजीब करते हैं लाइफ में, ठीक है। चलिए अभी इनके हम पहले फर्स्ट हाउस को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, पहले घर में शुक्र बैठे हैं, ठीक है, और तीन नंबर की राशि है। सबसे पहली चीज़ ये क्या करेंगे, तीन नंबर की राशि आपको सबसे जो सबसे पहली चीज़ होता है कि आपको थोड़ा भोला बना देता है, ठीक है। लोग कहेंगे आप में बचपना है, ठीक है, ये आपको भोला बना देता है। दूसरी चीज़ कि ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग, ठीक है, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब शुक्र होता है तो इस जातक को अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। उनको अच्छा फेस दे दे या अच्छा बॉडी दे दे, कुछ भी करेगा बट अच्छा उसका अट्रैक्शन बढ़ाएगा शुक्र, ठीक है।
ये हमारे इस चीज़ का नेचर होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर मिथुन होता है, और इनके साथ मिथुन का मतलब ही होता है सेक्स, तो इनके थोड़े सेक्स के प्रति इंक्लाइंड होते हैं ये, और औरों लोग से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, और प्लस इनका चंद्रमा आके प्यार वाले ही घर में बैठ गया है, ठीक है, प्यार वाले घर में बैठ गया है, इसलिए थोड़ा सा ये इस चीज़ को लेके भी रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ एक और देखिए, इनका शुक्र है, और ये शुक्र किसका स्वामी है, इनके प्यार वाले घर का, यानी कनेक्शन बन गया है, तो इनके लव मैरिज करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाले घर में आते हैं। सेकंड घर में राहु बैठा है, बुध बैठा है, कोई देख रहा है क्या, चेक कर लीजिए। ओके सॉरी, फर्स्ट हाउस को पहले चेक करते हैं कि कौन कौन देख रहा है इस पे, ठीक है। तो शनि की दृष्टि आप देखेंगे तो नौवीं दसवीं दृष्टि है इनकी, शनि की दसवीं दृष्टि है, शनि की। यहाँ हमेशा हर चीज़ की पहले सामने से स्टार्ट किया करिए, तो ये जो जगह होती है इनकी सातवीं दृष्टि होती है हर प्लेनेट की, फिर आठवीं, नौवीं और ये दसवीं, ठीक है। तो ये इनके देखने का तरीका हो गया। अब शनि की दसवीं दृष्टि है, क्या कोई और देख रहा है इसको, ये भी चेक कर लेते। तो केतु की पाँचवीं दृष्टि है, देखिए वो वहाँ पर नहीं पड़ रही, फिर किसी और की पड़ रही क्या, गुरु की देख लीजिए, सातवां, आठवां, नौवां नहीं पड़ रहा, यानी और किसी का नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, बाकी दोनों का तो हमने नेचर बताया आपको, शुक्र का और तीन नंबर का, है ना, जो बुध के राशि है। शनि का नेचर ये हो जाता है यहाँ पे देखने से, आपकी लाइफ में थोड़ा संघर्ष तो बढ़ाएंगे, साथ साथ आप ना न्यायप्रिय हो जाएंगे, मतलब आपको गलत नहीं बर्दाश्त होगा, ठीक है। पहली चीज़ ये गलत नहीं बर्दाश्त होगा। अब इस केस में एक चीज़ और आप चेक करेंगे जब शनि की दृष्टि आती है, तो कि आप में एक शनि की कोई प्रवृत्ति डालेंगे। चलिए वो तो हमने बताया कि गलत नहीं बर्दाश्त होता, इसके अलावा एक बता दे रहे हैं आपको। देखिए अब जब इस केस में कि शनि यहाँ देख रहा है, आपको चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, तब जब यहाँ राहु है तो क्लियर सी बातें हैं, आप उनका तुरंत जवाब भी देते हो, ठीक है। ये जवाब देने के लिए होता है, ये घर जो होता है ये बात करने के तरीका या बात कैसे करते हैं आप, कितना करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु का होने का मतलब है कि आप बीच में काट के बोल देते हो, कुछ बोलता रहेगा उसे कुछ बीच में कर, नहीं नहीं भाई देखो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि राहु की वजह से। बुध आपको बहुत अच्छा समझदार बोलने वाला बना देता है, ठीक है, और आपका स्वामी भी है, लग्न का स्वामी। देखिए लग्न में तीन नंबर लिखा है, इसका स्वामी जाके धन भाव में बैठा है, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब प्लस से क्योंकि बातचीत की राशि है, तो ये बता रहे हैं कि आप बातचीत में भी बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है, सोच समझ के अच्छे से बोलेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ राहु है ये आपकी चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब कर रहा है, आपको अपने बातचीत में थोड़ा प्यार लाना चाहिए। गलत वर्डों का तो बिल्कुल यूज मत करिए, राहु वो करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर आप चेक कर लें इस घर को कोई और तो नहीं देख रहा, नहीं कोई और नहीं देख रहा, ठीक है। चलिए अब इस घर पे आते हैं, सूर्य और गुरु है यहाँ पे, पांचवा नंबर की राशि किसकी होती है, सूर्य की होती है, जो खुद यहाँ पे बैठे हैं, तो ये अपने ही घर में बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इस केस में क्या होता है, ऐसे लोग बहुत ही ब्रेव होते हैं, ठीक है। इस घर में सबसे अच्छा कौन होता है, राहु, फिर आप मंगल और सूर्य, ठीक है। तो यहाँ सूर्य आपका ऑलरेडी अपने घर में बैठा है, तो आपको ये ब्रेव बना रहा है, ठीक है। तो पहले थर्ड हाउस का रिजल्ट आपको दिख रहा है, ब्रेव बना रहा है, प्लस गुरु भी बैठे हैं, ये और अच्छी बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए किसी और प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं है। चलिए इस घर के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, क्योंकि बहुत और भी यहाँ से क्या होता है, जो भी प्लेनेट यहाँ होता है उसकी दृष्टि यहाँ आ जाएगी, तो इसको जानने के लिए हम अभी आएंगे इस घर पर, और इस घर के बारे में बताएंगे भी, ठीक है। इस घर के बारे में बता रहे हैं, तो ये घर क्या है, आपका मम्मी का घर है, और आपके तो यहाँ पे जब भी शनि और मंगल दोनों बैठ गए, तो अपनी मम्मी के हेल्थ को लेके आप थोड़ा सचेत रहेंगे, ठीक है, मम्मी की हेल्थ को लेके सचेत रहेंगे। प्लस केतु की नौवीं दृष्टि भी है, मम्मी की हेल्थ का स्पेशली ख्याल रखें, है कि नहीं है ये भी आप हमको कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि दो ऐसे ग्रह यहाँ पे हैं, ठीक है। प्लस आपकी मम्मी का छः नंबर है, ठीक है, यानी बुध ही हैं इनके स्वामी, तो ऐसे लोग आपकी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब बस असर इतना ही है कि थोड़ी ये गुस्सा दिखा रही हैं, गलत चीज़ें ये भी नहीं बर्दाश्त करती हैं, ठीक है, और हैं अच्छी, क्योंकि ये तीन नंबर छः नंबर ये लोग बड़े साफ दिल के लोग होते हैं, भोले होते हैं ये लोग, ठीक है।
ये इस राशि की खास बात होती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, कोई और तो नहीं देख रहा? नहीं देख रहा, बस जो देख रहे थे उनको हमने बता दिया, राहु देख रहे थे। राहु देखने का मतलब होता है कोई तड़प, उस जगह से रिलेटेड कोई तड़प। चलिए एक और चीज़ यहाँ से छूट रही, जब भी मंगल होगा शनि होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट और करते हैं? मंगल बताते हैं आपका घर, शनि बताते हैं आपकी ज़मीन, यानी आपको क्या क्या आपके पास है, ज़मीन है और घर है। क्लियर सी बात है, ये आपके पास है और आपके पास पैसे भी आएंगे, क्योंकि बुध किसका स्वामी, आपके लगन का, और वही जाके बैठा हुआ है। ठीक है, अब राहु के यहाँ से होने से क्या मतलब है कि आप थोड़े खर्चीले हैं, इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, राहु का मतलब ही होता है कि आप खर्चीले हैं। ठीक है, इसको सही करेंगे नहीं तो खर्चे को तकलीफ करेगा ये। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपके कर्म में गुरु हैं। एक नंबर आपके जो हैं ये आए हैं, मतलब पैसा कमाने की चीज़ें देखी जाती है। एक नंबर कौन है? मंगल है। ठीक है, मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल की सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि, यानी मंगल अपने घर को देख रहे हैं, इसलिए पैसे भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आ जाते थे कि चंद्रमा हो जब भी तो प्यार का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कारक होता है। ठीक है, लव का बहुत स्ट्रॉन्ग कारक होता है शुक्र और चंद्रमा, तो चंद्रमा खुद शुक्र की ही राशि में है। इस केस में आपके लाइफ में लव आना लाजमी है, आएगा ही आएगा लव। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस घर पे देखते हैं, इस घर पे क्या कोई देख रहा है? तो जी हाँ, देख रहे हैं। राहु की पांचवी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि। ठीक है, और कुछ? कोई और देख रहे हैं? नहीं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा, इस जगह पे शनि का देखना आपको कोर्ट कचहरी में फंसा सकता है, कोर्ट के सोर्स में फंसा सकता है। झगड़े झंझट से बच के रहें, दुश्मन आपके बनेंगे। ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी से बच के रहें, ये आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके लिए। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ जा रही है यहाँ पे। शनि आपके लिए बहुत अच्छे तो नहीं, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि ये घर मिल गया तो ठीक है। ठीक है, शनि आपके ठीक है, तो शनि की दृष्टि है, कोर्ट कचहरी से बच के रहें, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपके आपके जो दुश्मन हैं उनके लिए राहु का यहाँ देखना ठीक होता है, इसलिए थोड़ा झगड़ झंझट ना करें। हालांकि बहुत राहु कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, बच के रहेंगे आप। ठीक है, चलिए, थोड़ा दिक्कत आएगा ब्लड से रिलेटेड भी आपको, क्योंकि शनि है ना, शनि की तीसरी दृष्टि है, रोग भाव में राहु के साथ है, तो हो सकता है कि आपको लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। देखिए, अब आप ये जाने कि आप मांगलिक हैं, इस जगह में जब भी मंगल रहे तो आप मांगलिक होते हैं। ठीक है, अब मंगल की चौथी दृष्टि भी है आपके इस घर पे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ है। अब इस केस में क्या होता है, आपको पहले तो शादी में थोड़ा डिले होगा, फिर आप लव मैरिज करोगे, ये जो दिखा रहा, या अगर लव मैरिज कर लोगे तो डिले ख़त्म, लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि है प्लस राहु की दृष्टि है। ठीक है, अब इन दोनों की दृष्टि है, मंगल की और गुरु की भी। अब इस केस में क्या होता है, जो भी आपकी वाइफ होंगी वो पूजा पाठ करने वाली धार्मिक होंगे। ठीक है, प्लस मंगल की दृष्टि क्या बता रहे हैं, गंभीर गुस्से वाली होंगे। ठीक है, मंगल गुस्सा भी देता है, क्योंकि आप मांगलिक हैं इसलिए बहुत ध्यान दें इस चीज़ों को, नहीं तो इनकी लाइफ को लेकर थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अब कैसी होगी वो भी पता चल जाएगा। चलिए, मांगलिकों की जल्दी लव लाइफ लाइफ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाती, अगर वो सही से देख के कुंडली को देख के शादी ना कराएं तो। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ से आ जाते हैं, इस घर को बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट। हम लोग यहाँ देखते हैं कोई बुरा जो हो ना हो। ठीक है, आपका बस एक ऑपरेशन दिखा रही है। ठीक है, कोई एक ऑपरेशन आपका होगा। गुरु का यहाँ होना बहुत अच्छा माना गया है, गुरु का केतु का यहाँ होना और गुरु का यहाँ होना, या इन दोनों ही में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लीजिए, गुरु का यहाँ होना, केतु का यहाँ होना, ये बहुत अच्छा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। आपकी समझ इनके ही वजह से है, किसकी वजह से, केतु की, और ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज देते हैं, आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। आप समझ जाइए कि आप जब जानना चालू करेंगे ना तो बहुत बहुत लोग नॉर्मल हो जाएंगे आपके सामने, आपकी नॉलेज बहुत आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि केतु को ही ये बहुत पसंद है, प्लस यहाँ से गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ गुरु हो जा रहे हैं या केतु हो जा रहे हैं,
तो इस वजह से आपको बहुत अच्छा नॉलेज ये दे रहे हैं, आपको गुण रहस्य जानने के बहुत मन रहेंगे। जैसे आपको हस्तरेखा पढ़ना है ना, आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जैसे जैसे ऐसी चीज़ें जानेंगे आपको जानने का मन कर देगा कि अगर आप हमें या अगर आप किसी को मिलते हो, किसी से देखते हो किसी को, तो उसके माथे पे भी उसके बारे में लिखा होता है। तो बहुत लोग माथा पढ़ लेते हैं, हाथ पढ़ा जाता है, ठीक है, आपके गेस्चर्स पढ़े जाते हैं, ऐसे बहुत सारी तरीके हैं जिससे एक दूसरे को रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है, अलग अलग किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, जैसे कि अभी आप हम लोग जो पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ठीक है, ये बहुत बहुत ब्रॉड है, बट अभी तो कुछ भी नहीं है हम लोग के पास सब। खैर, अब इस घर के बारे में आते हैं। इस घर में कौन कौन है? शुक्र है और गुरु हैं, इनकी दृष्टि है यहाँ पे। क्या इसके अलावा कोई यहाँ पे देख रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे गुरु का, सूर्य का, दोनों का देखना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये भाग्य का घर है, भाग्य में इन लोगों का देखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। गुरु भी बहुत पॉजिटिव है और सूर्य भी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों ग्रह आपके लिए अच्छे भी हैं। देखिए, अच्छे की बात नहीं है, पॉजिटिव माने गए हैं इस जगह के लिए। अब देखिए, ये दोनों घर मिला है गुरु को, और गुरु आके जो बैठे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली घर है, बाकी मिला इनको बहुत अच्छा जगह है, तो खुश है ये। अब उस वजह से ये यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ देखने की स्थिति में ये यहाँ पे बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। और सूर्य हमेशा से ही उज्ज्वल भविष्य के लिए माने गए हैं, ठीक है, और स्वगरी भी हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बेटर रिजल्ट के लिए, बेटर चीज़ों के लिए जाना जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से देखिए, आपको आपको एक चीज़ और है, कभी आपको ना सडन फ़ायदा होगा लाइफ में, एक बार ज़रूर से होगा सडन, और मोटे अमाउंट मिला करेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये है आपका कर्म भाव, कर्म यहाँ क्या लिखा है, 12 नंबर, ये गुरु की राशि होती है, तो गुरु की राशि तो ऑलरेडी आपके में गुरु अच्छे हैं, और ये कर्म भाव है। कर्म भाव में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शनि मंगल देख लें, तो ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं। केवल गुरु नहीं है एक्टिव, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मंगल और शनि की दृष्टि हो गई है, तो ये बहुत अच्छा हो गया, एक्टिव हो गए ये लोग, और प्लस राहु भी देख लिया है, तो अब एक्टिव हो गए ये लोग, काफ़ी अच्छा एक्टिव हो गया। देखिए, कर्म में आपको जोश चाहिए ही चाहिए होता है, तो ये लोग दे रहे हैं आपको जोश, ठीक है। मंगल का यहाँ देखना स्पोर्ट्स पर्सन भी होना था, मतलब खेल में, क्योंकि एनर्जी होती है बॉडी में, तो गेम खेलते हैं ये लोग, तो ये गेम खेलने के लिए अच्छे होते हैं। राजनीति के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं, तो ये राजनीति के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत निर्भीकता से गलत काम, झूठ काम ये सब कर लेते हैं। हाँ, झूठ बोलने में माहिर होते हैं, जिनके सेकेंड घर में राहु हो, ये लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं, ठीक है। अब इस घर की बात करें तो यहाँ मंगल खुद देख रहे हैं, ठीक है, मंगल के देखने की वजह से आपकी आय में प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया दिखा रहा है, सब आय वाय अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। अब इस घर की बात करें, यहाँ कौन देख रहा है? केतु देख रहा है। इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, हाँ नहीं देख रहा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर शुक्र का है, जो कि आके बैठे हुए हैं आपके यहाँ पे, तो ये आपको एक बार विदेश भी ले जा सकते हैं, ठीक है, बाहर घूमने का बहुत अच्छा चांस है, आपको बाहर घूमोगे चांस है। प्लस केतु के देखने की वजह से आपका मन भी है घूमने का, है ना, आपके अंदर एक तड़प है विदेश घूमने का, क्योंकि केतु है इस घर में, तड़प पैदा करता है इस घर के सारे भाव से रिलेटेड। जैसे इस घर का क्या है, एक तो हाँ आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ खुद बैठा है, और ऑपरेशन होगा तो आप जाना ही है, तो ये हॉस्पिटल का भी घर है, ठीक है। सेक्स, ये सारी चीज़ों का घर है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। गुप्त रहस्य का भी घर है, ठीक है, शुक्र तो और भी कारक होते हैं इसके, ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल चार्ट है। लेकिन अगर हम इसको 9 मास में चेक कर लें कि क्या आपके कोई बहुत ख़राब है, देखिए सूर्य स्वगृही थे उसमें, और इसमें क्या हो गया है, उच्च के हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शनि स्वगृही हो गए हैं, ठीक है, शुक्र एक घर आगे पीछे है, नहीं तो ये भी बहुत अच्छा उच्च के हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको भी ये जगह पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं आपकी शादी के बारे में, तो ये ठीक है, अब इसमें कोई उच्च का सूर्य बैठा है, ये बेटर रिजल्ट दे रहा है, चंद्रमा साथ में है, शीतलता दे रहा है, गुरु का यहाँ ये सामंजस्य है, आपकी मित्रता है, गुरु यहाँ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल सब कुछ है, ये फ़ायदे की चीज़ है, यहाँ पे देखा जाता है कितना फ़ायदा कितना, तो शुक्र का होना बहुत अच्छा है,
यहाँ पे, ठीक है। और राहु का होना थोड़ा सा निगेटिव वे में, बट हाँ ठीक है, इनकी पावर को बैठा रहा, बढ़ा रहा है, लेकिन कभी कभी झटके दे भी देता है। अब ये क्या है, ये सुख भाव है। सुख भाव में कौन देख रहा है, सुख भाव में सुख के स्वामी आके यहाँ बैठे हुए लगन में, ये भी अच्छी बात है। शनि का देखना थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया यहाँ पे। शनि का देखने का मतलब हो गया कि थोड़ा संघर्ष तो आपके इसमें आ गया, किस में, खुशियों में, मैरिड लाइफ में, खुशियों में थोड़ा संघर्ष किसने दे दिया, शनि ने दे दिया, ठीक है। बाकी अब तक सब कोई बढ़िया ही जा रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं शादी आपकी चल जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा जो मंगल का है उसके इफेक्ट को ध्यान रखें, वो ज़रूरी होता है देखना, ठीक है। मंगल इफेक्ट बिना देखे शादी तक नहीं की जाती, सब कुछ मिलता रहे और मंगल प्रभाव के साथ प्रॉब्लम आ जाए तो शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी छोटी छोटी बात तो, बीमार होना हमेशा, तबीयत ख़राब ही बहुत छोटी बात है, वो एक्सीडेंट करवा देंगे, डेथ करवा देंगे, किसी तरीके से डेथ करवा देंगे, ठीक है। ये बहुत मंगल बहुत घातक होते हैं इस मामले में, ठीक है। मंगल दोष सबसे खतरनाक होते हैं, वो लोग बहुत हाई एनर्जेटिक होते हैं, इनको किसी और बॉडी के साथ रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, वो उनके साथ नहीं रह पाता। देखिए गोचर में अभी की बात करते हैं, तो गोचर में केतु है यहाँ पे, ये कौन सी जगह है, प्यार में अगर आप शादी हो चुका है तो प्यार में नहीं तो ये तड़प डाल देते हैं, ठीक है, बिछड़ाव तड़प ये डालते हैं। दूसरी चीज़, जब अगर शादी नहीं हुई जो भी प्यार की बात ना करें तो इनका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, इस समय ये ज्ञान खोजते हैं ये लोग, ठीक है, ये इस समय ज्ञान खोज रहे हैं लोग, क्यों, क्योंकि केतु का जगह ही ऐसी मिली है इनको, ठीक है। अगर शादी हो चुकी है, इस बीच कभी आपके बच्चे का कोई टाइम सेट हो रहा है, बच्चे उच्चे होने का, उसके लिए ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर होना, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए सैटर्न यहाँ पर हैं और इनकी तीसरी दृष्टि किस पे पड़ रही है, राहु पे, ठीक है। देखिए अगर बस ये कंडीशन ना रहे कि एक नंबर ना रहता तो ये इतना इफ़ेक्ट ख़राब नहीं डालते, लेकिन ये अब ख़राब इफ़ेक्ट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये शनि को ये पसंद ही नहीं है एक नंबर, तो ये बोल रहे हैं राहु को कि इस घर को ख़राब कर दो। अब ये घर क्या है, आपके आय का घर है, अभी आपके इनकम में प्रॉब्लम आप फील कर रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए अब ये थोड़ा दिक्कत का बात क्या है कि चलो अब आपका चीज़ें सुधारना चालू हो जाएगा, ठीक है। सूर्य आ रहे हैं, ठीक है, सूर्य आ गए हैं यहाँ पे, 00 है, अब सुधारना चालू हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी, ठीक है। सूर्य इस जगह को अब ठीक करना चालू कर देंगे, ओके, ये हो गया। अब देखिए गोचर बता रहे हैं, जब आप यहाँ से अब राहु को चेक करेंगे तो इनका 2, 2, 4, 1, 5 पांचवा घर देखेंगे, यहाँ पे इनकी पांचवी दृष्टि है, सातवीं नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वहाँ केतु है, फिर नौवीं दृष्टि काउंट करेंगे, तो पांचवी और नौवीं दृष्टि पे देखिए इनके। अभी क्या है, आपके घर में जितने रिश्ते हैं, जैसे सिबलिंग्स जो होते हैं, भाई बहन वाला, आपके भाई बहन वाले में प्रॉब्लम दिखा रही है इस समय, ठीक है, भाई बहन वाले में प्रॉब्लम दिखा रही है, और थोड़ा एक गलत कोई काम ये करवाएंगे, बच के रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये भावनाओं का भी घर है और राहु की गलत दृष्टि भी पड़ रही है, और इसीलिए इसको हम लोग ब्रेवरी भी देखते हैं, तो गुस्से में ये देख रहे हैं तो कुछ एक नीचता का हरकत करवाएंगे आपसे, जिससे आपको बच के रहना है, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी भी है, मैं सोशियोलॉजी नहीं, सोशलिस्ट भी, लोग कितने सोशली कनेक्ट है उस घर को भी देखा जाता है, तो राहु का ऐसा तो ठीक है, बट एक नंबर पे हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा सकते हैं। इस घर की बात करें तो अगर वाइफ होगी तो इस समय झगड़े होने लगेंगे, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये राहु करवा रहे हैं, इस पर ध्यान रखें, ठीक है। बिजनेस पार्टनर होगा अगर तो उनसे मतभेद होना चालू हो जाएगा, ठीक है। डेली व्यय के खर्चे पर भी ध्यान दें, इन सब चीज़ों के लिए ये सही नहीं है। केतु की बात करें तो पांचवा घर आपके भविष्य पे दिखा रहे हैं, यानी आप फ्यूचर को लेके चिंतित रहेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे फ्यूचर को लेके, लेकिन चिंतित रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके ये लगन पे ही देख रहा है, लगन पे देखने के केस में आपको ना ये बहुत ज़्यादा सडन गुस्सा आने वाला और ज़्यादा ही सोचने वाला, इस बीच आप फील करोगे इस चीज़ को, ठीक है। ये क्यों है, केतु की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है, ठीक है। ये सेक्स की बात करें तो ये अभी ठीक टाइम चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया है, ये 10 नंबर पे है, तो वीनस अपने ही घर में, हर वीनस सेक्स के लिए जाने भी जाते हैं और ये सेक्स वाले घर में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आप देखिए, यहाँ पे जो गुरु हैं, गुरु आपके किस घर में बैठे हुए हैं,
ये घर कहलाता है कर्म का। कर्म में गुरु अच्छे होते हैं, बट हालांकि ये थोड़े आलसी है, बट घर में गुरु अच्छे हो जाते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, ये जगह आपके लिए पापा का, कर्म का, इन सब चीज़ों का है, बिजनेस का, ये इस समय इन सब पे अच्छा टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, इन सब का अच्छा टाइम चल रहा है। अभी आप एक चीज़ चेक करेंगे, अभी एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि हम चंद्रमा नहीं एक्सप्लेन करते। जब भी बर्थ हो तो हम चंद्रमा एक्सप्लेन नहीं करते। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदल देते हैं। ठीक है, तो ये इनको देखने का भी इसमें गोचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पड़ता है, कब पड़ता है वो अभी ऐसे नहीं है, वो हम कभी और बताएंगे कब गोचर में चंद्रमा को देखा जाता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये पूरा चार्ट है। एक चीज़ अभी हम आपको फिर कभी इन फ्यूचर भी बताएंगे, अभी कुछ ही टाइम में हम पोस्ट करेंगे एक वीडियो, मंगल की स्थिति बदलने वाली है, जो कि ख़राब स्थिति में जाने वाले हैं और वो सबके लिए उस समय एक ख़राब माहौल जनरेट करेंगे। ठीक है, भूमि के पुत्र भी हैं वो, इसलिए आप थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान देना रहता है। राहु को निचता वाला शनि देख रहे हैं, फिर नीच के मंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि भूकंप आना, रिश्ते टूटना, प्रॉपर्टी बिक जाना, ये सब प्रॉपर्टी में आपके बंटवारा होना, इन सब चीज़ों के लिए ठीक टाइम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी सब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए लोगों से। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।